दोस्तों, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल क्या-क्या एक्टिविटी हुआ है और आज और आने वाले दिन में क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कल हम देखेंगे मींस 6 मई 2022 को देखा है कि थोड़ा सा डॉलर में स्ट्रेंथ देखा गया है। उसका मेन रीजन यही है कि 3 जून का जो NFP डेटा था वो बहुत ही बढ़िया था, जहाँ पे हमने देखा है कि 390,000 जॉब्स एडेड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ 328,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी और भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गया है कि फर्स्टर रेट हाइक्स का। अभी सबका नजर है 10 जून USCPI डेटा का। डिपेंडिंग ऑन दैट वन, उसके डेटा के ऊपर डिपेंड करके 15 तारीख को जो FOMC मीटिंग है वहां पे एक फाइनल डिसीशन आएगा। तो उस एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे मंडे 6 जून यानी कल डॉलर इंडेक्स का एक स्ट्रेंथ दिखा गया है। और हम अगर US 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे वहां पर भी अच्छा खासा राइज दिखा गया है, जो आपका 3.044 में कल क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस, अभी थोड़ा सा हमें ये जो डॉलर इंडेक्स है वो जो ट्रेंडेड मूव था वो ट्रेंडेड मूव है नहीं अभी, सॉरी, नीचे की तरफ जो ट्रेंडेड मूव था वो ट्रेंडेड मूव अभी है नहीं। अभी थोड़ा सा चौपीनेस बरकरार रहेगा, मींस कभी थोड़ा सा ऊपर आएंगे कभी थोड़ा सा नीचे आएंगे। डायरेक्टेड वन साइडेड डायरेक्ट मूवमेंट हम यहाँ पे देखेंगे नहीं। लेकिन अगर ये आपका इस बॉलिंजर बैंड के सेंटर बैंड में अगर अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है, पहले भी एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ था 2 जून को जो जिसका फॉलो थ्रू हमें दिखा नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सा नेगेटिव कैंडल दिखना है एंड उसके बाद उसके नीचे एक फॉलो थ्रू दिखना है, तभी जाके एक अच्छा खासा नीचे की तरफ इंडेक्स मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर हम डॉलर रुपी में देखेंगे, डॉलर रुपी में अगर हम अपना मार्केट टाइमिंग्स में देखेंगे इतना ज्यादा मूवमेंट था नहीं, लेकिन US मार्केट में ये काफी ऊपर गया है और 77.79 में दिख रहा है। एंड वही है, थोड़ा सा हमारा जो ये रेंज है उस रेंज को थोड़ा सा मीन्स कब ब्रेकआउट देगा उसके ऊपर हर एक का नजर है। ऑल्सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि 8 जून यानी कल टुमोरो हमारा RBI का पॉलिसी रेट डिसीशन है, उसमें भी नजर है कि इंटरेस्ट रेट कितना हाई करने वाला है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स 0.25 से 0.75 के बीच में बातचीत कर रहा है, जिसके एवरेज ऑलमोस्ट वही है 0.4 0.5 का एक्सपेक्टेशन है। तो आज और कल का जो वॉलिटिलिटी है उसको हमें थोड़ा सा एब्जर्व करना पड़ेगा। एक बार पॉलिसी डिसीशंस आ गया उसके बाद शायद एक अच्छा डायरेक्टेड मूवमेंट होगा। डायरेक्टेड मूवमेंट बोले तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं, एनी पार्टिकुलर ट्रेंडेड डायरेक्शंस, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। अभी कॉज ऑफ कंसर्न यही है, नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो ये आपका 76.8085 की तरफ मूव होना चाहिए, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है अच्छे कॉन्विंसिंगली तो ये फिर 78.4050 की तरफ मूव करने की प्रोबेबिलिटी आ जाता है। अगर हम GBP डॉलर देखेंगे, GBP डॉलर में कल एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन आया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 जून, 3 जून एंड 4 जून बैक टू बैक इनसाइड बार बनाया हुआ है टू 1 जून वाला कैंडल, यानी यहाँ पे 3 कैंडल है जो
एक दूसरे के अंदर में इनसाइड बार है, मींस प्राइस काफी कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। इसके ब्रेकआउट में आइदर साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 1 तारीख के लो के नीचे देर आर हायर चांसेस कि नीचे की तरफ मूव करने कर सकता है। अगर हम यूरो डॉलर देखेंगे, यूरो डॉलर में पिछले 3 दिन में छोटा बॉडी कैंडल्स फॉर्म्स हुआ है। ये आपका जो 2 जून वाला प्राइस एक्शन है उसके ऊपर फॉलो थ्रू हमें देखा नहीं है, एंड प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हमें जब तक प्राइस सेंटर बैंड के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर हम डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन में हम इस पार्टिकुलर लेवल पे सोच रहे थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या नहीं, वो हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक इनसाइड बार, नॉट एग्जैक्टली द इनसाइड बार, एक छोटा बॉडी कैंडल बनाया था, उसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम देखा गया है। एंड अभी आज मॉर्निंग में ये 132.30 पे है। अभी एक एक्सपेक्टेशंस है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे लेगा। अगर उसका एक ये तो नहीं बोलेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन कहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देर आर टू प्रोबेबिलिटीज, आपका एक रेजिस्टेंस हो सकता है आपका 132.7080 के आसपास, और दूसरा वाला रेजिस्टेंस हो सकता है 134.25 से 134.50 के तरफ एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा वो हमें प्राइस एक्शन से देखना है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे के तरफ आता है तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है, एल्स ऊपर की तरफ ही जूम 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 हायर प्रोबेबिलिटीज। जीबीपी आईएनआर में कल एक थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ करने का कोशिश किया, लेकिन आपका ये जो रेंज है आपका 98.30 ऑन द हायर साइड एंड 96.70 ऑन द लोअर साइड, एक रेंज बन गया है। द प्राइस हैज टू मूव आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड फॉर ए डायरेक्टेड मूवमेंट। अगर हम यूरो डॉलर देखेंगे, यूरो डॉलर में पिछले 2 दिन में 3 और 6 जून में छोटा बॉडी कैंडल्स फॉर्म हो रहा है। तो अभी एक चीज देखना है कि क्या ये इस हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज दे देता है या यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, ये हमें आने वाले दिन में देखना है। अगर हम येन आईएनआर देखेंगे, जैसे ही डॉलर येन वन साइडेड ऊपर की तरफ जा रहा है वैसा ही येन आईएनआर नीचे की तरफ जा रहा है। बेसिकली मेरे को डॉलर येन का जो एक्सपेक्टेशंस था कि आपका ये 128.75 या 129 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के लिए, इसीलिए आप मेरा येन आईएनआर का एक्सपेक्टेशंस देखोगे यहाँ से ऊपर जाने का या ये लेवल से ऊपर जाने का। लेकिन वैसा कुछ मूव हुआ नहीं है ऑन डॉलर येन, एंड इट्स जो इम्पैक्ट है ऑन येन आईएनआर अकॉर्डिंगली ये वन साइडेड डायरेक्टेड मूवमेंट हो रहा है। अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, कल एक 3 बार बनाया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2535 एंड 1.2601। इसका जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया है, एक आफ्टर ए शार्प डाउनफॉल एक 3 बार हुआ है। तो और ऑल्सो आप अगर देखोगे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है, ये छोटा सा अभी ये 3 बार के हाई के ऊपर अगर आवर्ली बेसिस पे क्लोज दे देता है देन अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन।
तो आप देखोगे प्राइस फॉल यहाँ से हुआ है, ये पार्टिकल लेवल से शार्प फॉल हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर ये भी टूट जाता है तो नेक्स्ट जो शार्प फॉल है आपका यहाँ से है, तो दीज आर द टू प्रोबेबल रेजिस्टेंस लेवल्स। स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा आपका? स्टॉप लॉस आएगा मीन्स इसके लो के नीचे, ये जो पिन बार बनाया हुआ है या हैमर बनाया हुआ है इसके लो के नीचे ये जो कैलकुलेशन है निगेट हो जाएगा। ऑसी डॉलर देखेंगे, ऑसी डॉलर ये जो लेवल है बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बनाया है, 0.7256 या 7250 जो लेवल है, अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया है। उसके बाद तीन बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, उसमें से पहला वाला 3 जून का जो नेगेटिव कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया है, 6 वाला छोटा, और ये जो 3rd वाला है बेसिकली इट इज अंडर फॉर्मेशन, अभी दिन का शुरुआत ही हुआ है और भी काफी थर्ड डे एक्टिविटी होना बाकी है। यहाँ पे हमें देखने वाला बात यही है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस क्लोज दे दिया है एंड उसके नीचे फॉलो थ्रू हो रहा है, आज कल क्लोज दिया है और आज फॉलो थ्रू दे रहा है। हमारा जो वीकली एनालिसिस पे यही था कि ये जो ट्रेंड लाइन है जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक बाई डिप्स ही बरकरार रहेगा। अभी व्हाट इट मींस थोड़ा सा सेल ऑप्टिक्स हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं फॉर सम डेज, उसके बाद हमें प्राइस एक्शंस देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करता है। अगर हम सीएनएच देखेंगे, सीएनएच पे कल जो था एक छोटा बॉडी कैंडल बनाया है यानी पॉज कैंडल, उससे पहले एक पिन बार बनाया था, ये पिन बार का भी रिलेवेंस अच्छा है क्योंकि अच्छा खासा एक सेल ऑफ के बाद एक पिन बार बनाया है, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है इस पिन बार के हाई के ऊपर तो देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, एंड इन सच ए सिनेरियो 6.7250 6.7275 ये जो एरिया होगा एक रेजिस्टेंस वाला एरिया हो सकता है। अगर ये पिन बार के लो के नीचे कंटिन्यू करता है फॉर 1 और 2 आवर्स देन अगेन इसका जो नीचे वाला जो जर्नी है वो कंटिन्यू करना चाहिए। अभी आपका यूके ब्रेंट ऑयल कल इट ट्रेडेड बिटवीन 121.90 एंड 118.81, 31st में को एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था बिकॉज वहां पे थोड़ा सा ओपेक कंट्रीज ने डिसाइड किया कि सप्लाई इंक्रीज करना है एंड आल्सो रशिया को थोड़ा सा बाहर रखना है, लेकिन ये जो डिसीजन है एंड उसके बाद का जो आपका आउटपुट आपका इंक्रीज किया हुआ है वो दैट इज नॉट एनफ फॉर द ग्लोबल डिमांड। इसके लिए हम देखेंगे कि 2nd जून एंड 3rd जून में अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हुआ है, अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है एंड इसका ऊपर जाना हमारे इंडियन रुपी पर्सपेक्टिव में नॉट एट ऑल गुड। तो ये अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है थोड़ा सा टाइम के लिए सॉफ्ट हो सकता है। अगर हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, 3rd जून को एनएफपी डाटा बहुत ही बढ़िया आया है, अभी 10th जून सीपीआई यूएस सीपीआई डाटा के लिए मार्केट इंतजार कर रहा है एंड उसके बाद 15th ऑफ जून में एफओएमसी रेट डिसीजंस, बिकॉज ऑफ व्हिच आप देखोगे यहाँ पे तीन बैक टू बैक पॉज कैंडल्स देने के बाद ये फिर दोबारा इसका अपवर्ड जर्नी किया है, अभी भी ये जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक इसका अपवर्ड ट्रेंड बरकरार है बोल के हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो जैसे इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देगा तो फिर दोबारा ये आपका 1.3.26 के ऊपर कैसे जर्नी करेगा वो हमें आने वाले दिन में देखना है। तो अभी प्री मार्केट एनालिसिस करेंसीज का अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।